गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस जबरदस्त सेशन के अंदर जहाँ पे हम तीसरा पार्ट इसका करने लग रहे हैं और ये पार्ट देखो अगर ऐसे अगर चीजें ठीक जाती हैं और रेलवे के हिसाब से थोड़ी सी चलती हैं तो ये क्लास आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेके एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और कई बच्चों ने मतलब एक दो बच्चों ने जैसे मेरे पास वो बच्चे ज्यादा टच में हैं जो ऑलरेडी रेलवे की जॉब कर रहे है तो वहीं पे एक बच्चे ने मुझे बोला भी है कि उनका भाई स्पेशली एडमिन आई सेल में है शायद तो ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल रियल है तो अगर ऐसा होता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर के पहले हफ्ते या नवंबर के आसपास आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आएगा और जो वैकेंसीज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपके लिए जारी करने वाला है वो शायद यहाँ पे बारह हजार के आसपास हो सकती हैं ग्यारह बारह हजार के आसपास हो सकती हैं वैकेंसीज का भी जहां पे चीजें बोले कि वैकेंसीज जो है ना वो भी आपकी डिक्लेयर कर दी गई हैं तो शायद ट्वेल्व थाउजेंड वैकेंसीज के आसपास जाएंगी और अगर आप आर की तैयारी करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तैयारी करते हैं तो याद रखिए पचास क्वेश्चन आते हैं आपके है ना फिफ्टी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो जीके आपसे पूछता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हालांकि साइंस उसी का पार्ट है जीके का ही पार्ट है लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो है ना वो करेगा ठीक है मैक्सिमम टीचर ने बताया है हाँ तो बता दिया ना सबने तो मेरी तरफ से एक शायद मैं जब तक नहीं बताती हूँ जब तक मेरे पास कोई स्टैंप नहीं लग जाती और वो स्टैंप मेरे पास आठ बजे लगी तो मैंने फटाफट आपको नौ बजे बताई ये वाली बात तो लेट्स होप और उम्मीद इसी से करते हैं कि ये वेकेंसी जल्दी से आए आपकी ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर थ्री है आप भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जो आस रेलवे या फिर वनडे एग्जाम जितना है तो वहां से आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली कवर हो जाएंगे और आगे अगर आरपीएफ की वैकेंसीज आती हैं उसको फोकस करेंगे जीडी की वैकेंसी फोकस करेंगे और 7 पीएम वाले सेशन में हम सिर्फ टॉपिक वाइज बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा और एक दिन का गैप इसलिए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के साथ में शुरू कर रही हूँ तो आर्ट एंड कल्चर वाली सात बजे की क्लास जो है वो कल से शुरू हो जाएगी है ना जी की बाकी क्लासेस चल रही है उनको आप जरूर से नोट कर लीजिए और जी का अपन ने एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर किया हुआ है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो साइंस साइंस की 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 क्लासेस मेरी ऑलरेडी चल रही हैं हैं आप में से कई बच्चे रहते हैं कि पढ़ा दो पूरी YouTube पे जो नहीं हो पाता ही। अपने आप में का है। और सीरियसली नहीं पढ़ते हो तो इसीलिए लग रहा है नहीं आपकी इंग्लिश की भी क्लासेज होंगी मैम की क्लासेज होंगी एक्चुअली तो वो चल नहीं पा रही है इसलिए उनकी क्लासेस को हमने रोका हुआ है ठीक है क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे आप जाके रेलवे सेक्शन में जाके मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए रेलवे सेक्शन में ही आपको एक कोर्स भी मिलेगा वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए अच्छा एक और चीज बिहार एस का इंटर लेवल का पेपर होने वाला है मैंने उसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही फिलहाल में देखा है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है बार-बार जनरल साइंस को एक्सप्लेन किया हुआ है मेंशन किया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट रोल जनरल साइंस उसमें प्ले करेगा तो बिहार एसएससी के इंटर लेवल एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस है वो इस शनिवार को आप मेरे साथ करोगे इसी क्लास 24 चैनल के ऊपर ठीक सब है सबसे तो महत्वपूर्ण फिफ्टी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही है और अगर इसका रिस्पॉन्स आप में से कई बच्चे पढ़ेंगे तो हम इसको बिहार एस वाले लेवल को मिला के इंग्लिश का एक क्लास जो शुरू करना ही है वही करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अमेरिकन थिंक टैंक है एक जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन उसके द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है ठीक है और ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के ऊपर आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि जो पहले नंबर पे आया है वो कौन है मैं आपको बाकी की दे रही हूँ ठीक है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ साइज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलरिट रेगुलर एफिशिएंसी रेगुलरिटी एफिशिएंसी और ओपन मार्केट्स को लेके ये पूरा जारी किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम ठीक है इकोनॉमिक आर्थिक यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उसको 180 इस बार कंट्री ली गई हैं भारत की जो रैंक है वो 131 है और सिंगापुर की यहाँ पे बात की जाए अगर तो सिंगापुर इसमें नंबर वन रैंक पे आया है ठीक है बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य के लिए किया गया है या किस राज्य में किया गया है बोडोलैंड फेस्टिवल 27 फरवरी से लेके चार मार्च 2023 के बीच में हुआ था करंट अफेयर्स आपके 22 का भी मैं कराऊंगी अगर एग्जाम कोई भी अनाउंस हो जाता है तो 2022 आपको जरूर से पूछा जाएगा 2023 का करंट अफेयर जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली पिछले छह महीने से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका 2023 का अब तक का करंट अफेयर पूरा हो चुका है अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी है सेप्टेम्बर के महीने तक का करंट अफेयर उन बच्चों का हो चुका है जिन्होंने मेरी जीके की जो अभी सात बजे सेशन चल रहे थे जिनके तीस सेशन

भारत से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कही जाती है तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र और हम ब्रह्मपुत्र जब बात कर रहे हैं तो आप असम करके याद रखें असम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा और असम की कैपिटल डिसपुर और गुवाहाटी आप दोनों लर्न करिए पे कैपिटल शिफ्ट हो जाती है कई बार यहाँ पे इनकी बाकी बोडो जो है ना ये आपका बार ट्राइब होती है उसके लिए कहा जाता है बोडो ट्राइब जो है ना वो आपकी बार ट्राइब के लिए भी कही जाती है तो बोडो या फिर बार ये असम की एक जनजाति ही है ठीक है असम की एक जनजाति है तो बार ट्राइब करके याद रखिए नेक्स्ट बताइए एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट आई एन एस कृपाण पहार में देने की घोषणा की है किसको देने वाले है? किसको देने वाले हैं आपकी आई एन एस कृपाण जो है वो भारत किसको देने वाला है किसको अभी एक्चुअली में देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये आ, आ, जून उन्नीस ठीक है 19 जून को ये अनाउंस किया था कि आईएनएस एन जो कि हमारी इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट है इसको वियतनाम को दिया जाएगा ये कॉर्बेट मिसाइल खुपरी क्लास को बिलोंग करती है हमारे पास जो मिसाइल है उनको हमने अलग अलग क्लासेस में डाला है जिसमें से आई एन एस कृपांड जो है वो खुपरी क्लास की कही जाती है और आप आपसे एग्जाम में ना इसका वजन भी पूछ लेते हैं जैसे अगर आप आई का पेपर देंगे ना इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर आप पेपर दो दोगे या दिया है तो आपको पता होगा वहां पे इस तरीके के डीप नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1350 टन के वजन वाली ये खुपरी क्लास को बिलोंग करती है और भारतीय नौसेना में इसको बीस जनवरी तो इनोग्रेशन कर दिया था 12 जनवरी ठीक है 12 जनवरी 1991 लिख लीजिए 12 जनवरी 1991 में इसको शामिल कर लिया था भारत में इसको ट्वेल्थ जनवरी नाइनटीन में भारत ने शामिल कर दिया था वियतनाम की राजधानी हनोई है, है ना। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो तटरक्षक बल इंडियन कोस्टल गार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में हुआ था यह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे जो ये रिकमेंडेशन थी आईसीजी को स्थापित करने की वो डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी कही जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कोस्टल गार्ड समिति कौन सी समिति है जिसने इंडियन कोस्टल गार्ड को स्थापित करने की बात कही थी तो डॉक्टर नाग चौधरी करके याद रखिए डॉक्टर नाग चौधरी समिति के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था उन्नीस में आईसीजी इंडियन कोस्टल गार्ड बन तैयार हो जाती है नाइनटीन 7 में इनके पास यानी कि आज की डेट में जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली लर्न कर लीजिए आज की डेट में इनके पास टोटल मिला के कोस्टल गार्ड में एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो हमारे आईसीजी के पास आज की त आज तक की तारीख की मैं बता रही हूँ 77 प्लेन्स जो है वो इनके पास लोकेटेड है और इनका व्यम रक्षम मोटो क्या है व्यम रक्षम करके याद रखिए मोटो है व्यम रक्षम व्यम व्यम रक्षम, वयं वयं रक्षम। मोटो ऑफ आईसीजी इंडियन कोस्टल गार्ड अच्छा अब यहाँ पे बने कौन है हाँ कमेटी का नाम याद रखिए डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी है और आपके अभी यहाँ पे बी एस पठानी अगर याद रखें जो इसके नियुक्ति है जैसे आपका ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है या पे लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी इंडियन कोस्टल गार्ड को ही तैनात किया गया है ठीक है चलिए ये बताइए पनामा कैनाल जो है वो कौन से दो सागर को या दो समुद्रों को जोड़ती है पनामा कैनाल कहां से कहां पे या किसको किसके साथ जोड़ती है बहुत ही इजी क्वेश्चन है पनामा पनामा किसको किससे जोड़ती है तो अटलांटिक और पैसिफिक याद रखिए प्रशांत महासागर दुनिया का भार, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है और अटलांटिक ओशन ठीक है इनको दोनों को जोड़ने वाली कौन है अच्छा जोड़ने जब भी हम स्ट्रेट्स की बात करते हैं कैनाल्स की बात करते हैं तो जो स्ट्रेट्स होते हैं वो दो जगहों को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं ठीक है थीके? जो स्ट्रेट्स होते हैं एस टी आर ए आई टी ठीक है जल डमरू मरुस्थल जिन्हें कहा जाता है जल uh, जल डमरू मरुस्थल ठीक है जल डमरू मरुस्थल इन्हें कहा जाता है तो स्ट्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कभी कभी दो लैंड जो होती हैं उनको अलग करते हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ गिवराल्टर कहा जाता है काफी फेमस है स्ट्रेट ऑफ होमरूस कहा जाता है तो जो ये क्या करता है स्ट्रेट क्या करता है लैंड को अलग करता है और वाटर बॉडीज को मिला देता है ठीक है वाटर बॉडीज को मिला देता है इसी तरीके से जो पेना पनामा केनाल है वो क्या करती है एक तरफ अटलांटिक एक तरफ पैसिफिक ओशन को यहाँ पे मिला देती है थोड़ा सा मैप में जरा देख लीजिए यहां पे आपको पता रहेगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और जो हमारी साउथ अमेरिका है हमारी मतलब पृथ्वी की है उसमें पनामा कनाल करके याद रखिए ये पॉइंट जो है वो पनामा कनाल का है यहाँ से होते हुए शिप्स वगैरह जो है वो जा पाती हैं और इस तरफ अटलांटिक ओशन और उस तरफ पैसिफिक ओशन यहाँ पे आपका पूरा अटलांटिक ओशन है इस तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन कहा जाता है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है उसके अलावा दुनिया में ऐसी कई सारी नहर है जो यहाँ पे इस काम को कर रही ही या जोड़ने का काम कर रही होती है सून नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है सुपीरियर झील को होरियन झील से जोड़ रही है इरी नहर इरी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जो, जोड़ रही है गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनवर्क के बीच में लोकेटेड है स्वीडन की बात हो रही है कील कील कैनाल के, के नाम से जाना जाता है जर्मनी में है उत्तरी सागर और बाल्टिक सी को जोड़ रही है उत्तर सागर नहर जहाँ जर्मनी के अंदर मौजूद है मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में है मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है आपस में न्यू वाटरवे जर्मनी में है उत्तरी सागर और रॉटरडम जो है उसके बीच में लोकेटेड है वोल्गा डॉन जो है वो वोल्गा में और बैलेंडर नहर करके याद रखिए जो इरी और ऑटोरिया के बीच में यहीं पर है Baland नहर के नाम से इसको जाना जाता है बैलेंड जो इरी और अटोरियो के बीच में कही जाती है तो ये कुछ नहर है स्ट्रेट्स किसी और क्वेश्चन में कभी हम कवर यहाँ पे कर लेंगे ठीक है चलिए यहाँ पे याद रखिए अरे भाई आप ऐसा क्यों करते हो इतनी सारी वीएस ठानिया है आपके चीफ ट्वेंटी फोर्थ चीफ ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड ये इतनी कंफ्यूजन क्यों आ रही है मुझे ही नहीं समझ आ रहा कल भी जैसे आपको डायरेक्टर जनरल जनरल में कंफ्यूजन थी उसके हिसाब से कल आपको यहाँ पे अच्छा आपके यहाँ पे तो हमने ट्वेंटी फिफ्थ का नाम ही नहीं लिखा अच्छा इस क्वेश्चन में हमने ट्वेंटी फिफ्थ का नाम ही नहीं लिखा इनफैक्ट इट शुड बी राइट एज ट्वेंटी फोर्थ आई सी जी इंडियन कोस्टल गार्ड ठीक है इंडियन कोस्टल गार्ड जो आपके ट्वेंटी फिफ्थ है उनका तो आपका नाम ही नहीं रखा है तो राकेश पाल जो आप बोल रहे हो वो राकेश पाल जी है राकेश पाल राकेश पाल जी है जिनकी नियुक्ति की गई है और राकेश पाल जी जो है वो पच्चीसवे आईसीजी बने हैं ट्वेंटी फिफ्थ आईसीजी ठीक है इस क्वेश्चन को आप ट्वेंटी फोर्थ चीफ के नाम से लर्न कर लीजिए और ये आपके पच्चीसवे है राकेश पाल को अपॉइंट कर दिया गया है और ये अपॉइंटमेंट जो है वो जुलाई के अंदर की गई थी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से यहाँ पे करी गई है तो ये भी हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ दोनों याद रख लीजिए यहाँ पे ट्वेंटी फोर्थ जो है वो बी एस पठानिया और ट्वेंटी फिफ्थ आई सी जी इंडियन कोस्टल गार्ड के जो चीफ बनाए गए हैं वो राकेश पाल जी है पच्चीसवे आईसीजी जो है वो कौन है राकेश पाल जी ठीक है अब भी ठीक है यहाँ पे है ना ट्वेंटी फोर्थ जो है वो बी एस पठानिया और ट्वेंटी फिफ्थ जो है वो आईसीजी राकेश पाल है तो नियुक्ति के बाद भी थोड़ा सा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट करने के लिए तो करंट जो है वो राकेश पाल ही है लेकिन इनको ज्वाइन करने में शायद सेप्टेंबर के आखिरी में ही ज्वाइन किया है है ना सितंबर के आखिरी में ज्वाइन किया है ठीक है चलिए दोनों नाम याद रहेंगे अभी यहाँ पे पेनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में हो गई शाहजा के अधिकार में आने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था हु वॉज दी डी फैक्टो रूलर आफ्टर जहांगीर बिफोर शाहजहा टू कंट्रोल बताइए क्या बात है प्रिंस शायर करके लर्न कर ले क्या प्रिंस शायर के नाम से जाने जा रहे जो डिफेक्टो रूलर जो जहांगीर के बाद आए थे लेकिन शाहजहाँ ने लिया उसके बीच में हम लोग यही सीक्वेंस करते हैं ना कि हमारे पास शाहजहां की और जहांगीर की जो सिचुएशन लिखी जाती है उसमें यही लिखा जाता है ना शाहजहाँ फिर आपके शाहजहाँ के अधिकार में आने से पहले जहांगीर के बाद प्रिंस शायर करके याद रखिए प्रिंस शायर अच्छा इनका जो असली नाम था वो शायर मिर्जा के नाम से जाना जाता था और खाली इनका मेरे ख्याल टाइम पूरा एक साल का नहीं रहा है सोलह से लेकर सोलह के बीच में कहा जाता है प्रिंस सायर जो है वो गद्दी पे मुगलों की गद्दी पे बैठे थे इसको जैसे कहते हैं ना शाहजहां को इंजीनियर किंग करके बोला जाता है और जो शाहजहां थे उन्हीं के द्वारा इनको हटवाने की जो प्रयास है वो भी की गई थी यहाँ पे तो शाहजहा हटवाने का प्रयास भी किया था ठीक है हटवाया भी उन्हीं के द्वारा किया था निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है इनमें से कौन सी ऐसी सबसे लंबी श्रृंखलाएं जो हिमालया के अंदर आपका लोकेटेड है हिमालय जो है वो आपके हमारे भारत के अंदर नॉर्थ वाले पार्ट से शुरू होते हैं और नॉर्थ ईस्ट की रेंज, रेंज तक जाते हैं तकरीबन तकरीबन 6000 किलोमीटर जो है वो पहुंचा रहता है 6000 किलोमीटर की पूरी लंबाई है तो अगर मैं धौलाधार रेंज महाभारत नेपाल में है पीर पांजल शिवालिक रेंज इन चार रेंजेस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये सबसे लंबी रेंज की बात हो रही है सबसे लंबी रेंज की बात हो रही है क्या रहेगा क्या लिखे यहाँ पे सबसे लंबी रेंज कौन सी होगी देखिए महाभारत रेंज की अगर मैं बात करूं जैसे मैंने अभी आपको बताया ये ईस्ट टू वेस्ट में रन करती है ईस्ट टू वेस्ट ठीक है ईस्ट टू वेस्ट कहाँ पे है ये नेपाल के अंदर है महाभारत रेंज आपकी नेपाल के अंदर आती है और इसकी लेसर हिमालय में इसका पार्ट कहा जाता है पीर पांजल रेंज की अगर मैं बात करूं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है पीर पांजल रेंज का जो एल्टीट्यूड है वो पांच हजार मीटर सी से ऊपर कहा जाता है और चिनाव और झेलम जैसी नदियां जो है वो पीर पांजल रेंज से ही होके गुजरती हैं अगर इसके सीक्वेंस में देखें तो पीर पांजल रेंज जो है इन ऑप्शन में से सबसे बड़ी कही जाती है या लेंथ में लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो कही जाती है ठीक है पीर पांजल एक बार मैप में इनको देख लीजिए कई बार इनको ऐसे अरेंज करने के लिए आता है काराकोरम लद्दाख जस्कर और शिवालिक ठीक है कालू लंगड़ा जिप सही करता है मैंने आपको ऐसे लर्न कराया था के एल जेड एस सबसे ऊपर काराकोरम है फिर लद्दाख है फिर जस्कर है और फिर शिवालिक है इन्हीं रेंजेस के बीच में महाभारत शिवालिक जैसे शिवालिक तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी नजर आ रही है और शिवालिक रेंजेस आपको नजर भी आ रहे हैं इस तरफ जो है वो महाभारत रेंजेस नेपाल वाले क्षेत्र में लोकेटेड है एक एक करके जरा अगर इनको ध्यान से देखे तो महाभारत रेंजेस जो है वो इस पूरे एरिया में आती है और ये जो यहां पर मैंने अभी पेन चलाया है इस जगह ये महाभारत रेंज है ठीक है महाभारत भारत रेंज समुद्र तल से 1500 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पे है कोशी गंडकी और करनाली जैसी नदियां जो है वो इस एरिया से फ्लो भी करती हैं हैं या महाभारत रेंज का पार्ट भी बनाती पीर पांजल एक पूरा फ्लो है यहाँ पे लद्दाख जस्कर और पीर पांजल यहाँ पे आता है तो ये जो है ना ये पीर पांजल जो है वो क्या कर रहे हैं लघु हिमालय की श्रेणियों में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है तो जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल है ना हमारा वो इन्हीं में से होके गुजरता है या जम्मू कश्मीर हिमाचल पीर पंजल रेंज में से ही आता है झेलम अगेन किशनगंगा चनाब ये दो तीन नाम याद रखिए नदियां इसी में से होके बहती हैं या पीर पंजल से ही जाती हैं रोतांग ला और रोतांग पास और बनिहाल दर्रा ये दर्रा, पीर पंजल में ही लोकेटेड है रोतांग पास रोहतांग पास और दूसरा बनिहाल दर्रा करके याद रखिए रोतांग पास और बनिहाल दर्रा ये होकर गुजरती हैं पीर पंजल के अंदर से शिवालिक को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं आउटर हिमालय तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो आउटर हिमालय या शिवालिक या फिर लेसर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है और ये आउटर हिमालय वाला जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तराखंड और दार्जिलिंग के लिए बोला जाता है देखिए दार्जिलिंग बहुत सुंदर है कैलिंग दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जगह बहुत सुंदर है क्योंकि सब और आउटर हिमालय या फिर शिवालिक वाले पार्ट में आते हैं तो पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है आउटर हिमालय तो ये जो पूरा क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया यहाँ पे और उत्तराखंड का कुछ एरिया दुधवा रेंजेस जो है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट कही जाती है वो सब आपकी किसमें आती है शिवालिक रेंजेस के लिए और शिवालिक रेंज में जो नदी बहती है वो तीस्ता नदी कहती है बहती है तीस्ता नदी काफी ऊपर से नजर नहीं आती है काफी सुपरफिशियल रिवर नहीं है अंदर की तरफ बहती हुई नजर आती है धौलाधार की अगर हम बात करें तो धौलाधार पीर पांजल में पीर पांजल से हिमालय के बीच में पूरा बहती है और जहां पे मैं आपको अभी ये मैप मैपैन मेरा जो चल रहा है ये वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है वो धौलाधार रेंजेस हैं जो पीर पांजल का ही पार्ट कही जाती हैं उसके अलावा यहाँ पे आपको कश्मीर वैली ये नजर आ रही है पूरा क्षेत्र धौलाधार पीर पांजल काली रिवर सतलुज यहाँ पे जो है वो महाभारत रेंजेस हो गए ये नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है तो इस पूरे एरिया को लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया अभी पीछे जो भूकंप आया था आपको भारत के में भी कई एरिया में महसूस किया गया था और अफगानिस्तान में उसी भूकंप से दो

शायद ये क्वेश्चन किया था कुछ ना तो कुछ कंफ्यूजन रहा था बोकारो स्टील प्लांट बुकारो स्टील प्लांट देखिए सबसे पहले अगर हम स्टील प्लांट्स की बात करें तो सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर ठीक है सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर भारत ने पांच स्टील प्लांट स्थापित किए थे पांच स्टील प्लांट स्थापित किए थे एक केमिकल फैक्ट्री स्थापित की थी सिंदरी में जो केमिकल फैक्ट्री है आज की डेट में वो सबसे पहली फैक्ट्री है एक केमिकल फैक्ट्री स्थापित की थी और एक आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया था ठीक है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठीक है हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको भी स्थापित किया था ठीक है तो पांच स्टील प्लांट जो स्थापित किए थे उसमें से आप बोकारो भिलाई राउरकेला दुर्गापुर चार ये हैं और एक विशाखापट्टनम का था जिसको भारत ने अपने लेवल पे स्थापित किया था सब कुछ सेकेंड ईयर प्लान में हो रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर प्लान इंडस्ट्रीज को महत्व दे रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को ला रहा है काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में पे बात बात भी की की जा रही है 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 ठीक अब इसी क्वेश्चन मैं बात करूं तो आपका बुकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत के साथ शुरू किया गया था और उसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट भी सोवियत के साथ शुरू किया गया था अगर हम बुकारो की बात करते हैं तो बुकारो प्लांट जो है वो हमारे कहाँ पे लोकेटेड है झारखंड या छत्तीसगढ़ कोई कंफ्यूजन झारखंड ही लिख लें बोकारो बोकारो स्टील प्लांट कहां पे है बोकारो कहां पे है झारखंड ठीक है झारखंड और भिलाई की अगर हम बात करें तो भिलाई कहाँ पे लोकेटेड है आपका छत्तीसगढ़ लर्न कर लीजिए भिलाई छत्तीसगढ़ झारखंड बोकारो उड़ीसा राउरकेला और दुर्गापुर जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है तो ये चार प्लांट्स आपको लर्न करने हैं कौन सा किसकी मदद से किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लोकेटेड है सोवियत यूनियन की मदद से यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है सोवियत यूनियन की वजह से मतलब मदद से राउरकेला जर्मनी के साथ बनाया गया था राउरकेला उड़ीसा में लोकेटेड है और दुर्गापुर जो है वो स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल और यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम के द्वारा है ना इसमें पॉइंट्स लर्न कर लीजिए दुर्गा माता का फेस्टिवल या दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा की जाती है कहाँ पे हमारे उड़ीसा वेस्ट बंगाल के अंदर तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील प्लांट ठीक है राउर केला राउर केला उड़ीसा के अंदर राउर जहा पे आर आ रहा है वहीं पे आपका जर्मनी भी आ रहा है ठीक है भिलाई स्टील प्लांट सोवियत आई के साथ जो आपका नाम है वो सोवियत के साथ लर्न कर लीजिए और बुकारो झारखंड आपका सोवियत यूनियन के साथ लर्न कर लीजिए ठीक है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है और इस बांध को केरल के एक राजा थे जिनका नाम महाबली के पुत्र पे जिनका जिस बांध का जिस बांध का नाम भी रखा गया था वो क्या था मिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ बोकारो जो है वो झारखंड में है दुर्गापुर आपका लोकेट दुर्गा माता वेस्ट बंगाल और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यूके लर्न कर लीजिए और एक बचा आपका राउरकेला, राउरकेला, उड़ीसा आर जर्मनी आर से जर्मनी ऐसे लाल ठीक है मिट्टी का बांध है इस बांध को केरल के जो महाबली केरल के राजा महाबली थे उनके नाम पे रखा गया था बांध का नाम क्या है बनासुर या बानासुर बानासुर सागर बांध के नाम से ज, जाना जाता है और ये नदी की अगर हम बात करें तो करम करमनथ थोड़ू है ना नदी का नाम क्या है करमनथ थोडू थोड़ू नदी के ऊपर केरल में बना हुआ है ठीक है नागार्जुन सागर किस नदी पे बना हुआ है तो आप कृष्णा नदी याद रखिए इसको ट्रिक कर, लर्न करने का एक ही ट्रिक है अर्जुन और कृष्णा गीता के उपदेश अर्जुन को सुना रहे हैं कौन कृष्ण भगवान नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे है कृष्णा नदी पे है और नागार्जुना सागर नागार्जुना ये कहाँ से बिलोंग करती है ये है तेलंगाना के लुक, अंदर लोकेटेड आज की तारीख में ठीक है कृष्णा राजा सागर डैम ये कृष्णा राजा कृष्णा राजा ये कावेरी से संबंधित है कावेरी नदी पे बना हुआ है कृष्णा राजा सागर डैम और ये डैम लोकेटेड है आपके कर्नाटका पे और मैटो डैम काफी फेमस डैम है मैटो डैम है तमिलनाडु के अंदर और मैटो डैम की भी नदी है आपकी कावेरी ठीक है ये लर्न करिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कल आपको डीजी को लेके कंफ्यूजन था जब हम रेलवे बोर्ड का डीजी पूछ रहे थे तो आप अलग ही नाम बता रहे थे है ना अभी यहाँ पे आपसे मैं चेयरमैन की बात कर रही हूँ चेयरपर्सन की एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ तो आंसर क्या देना है आप दोनों कंफ्यूजन नहीं रखेगा जब आपसे डीजी पूछा जाता है रेलवे प्रोटे रेलवे बोर्ड का डीजी तब आपको नाम अलग देना है जब आप वहां पे कल बोल रहे थे कि जया जय वर्मा सिन्हा करके आपे लिखे, तब आपको आंसर अलग देना है है ठीक तो दोनों नाम अलग अलग हैं डीजी आरपीएफ के जो हैं वो अलग हैं संजय चंदर आईपीएस ऑफिसर हैं डीजी आपके जो रेलवे बोर्ड के हैं वो आपके मनोज सिन्हा जी के नाम से जाने जाते कल आप मनोज सिन्हा जी आंसर दे रहे थे मनोज यादव आरपीएफ से रिलेटेड है ठीक है मनोज यादव जो है वो आपके अलग 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 नाम है भाई कंफ्यूजन नहीं करिए सुगंधा सहा संजय चंदर आईपीएस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल आरपीएफ के हैं और बोर्ड की अगर कहा जाए तो ये पूरा ठीक है मनोज यादव डीजी मनोज यादव डीजी जय वर्मा सिन्हा चेयरपर्सन या चेयर रेलवे बोर्ड की हेड हेड चेयरपर्सन आपका हेड ही कहा जाता है ठीक है पंचायत तो और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था ये बहुत फेमस एक गलती है डीजी क्या है चेयरपर्सन क्या है ठीक है उसके अलावा कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ भी है ठीक है चांसलर कौन है वाइस चांसलर कौन है ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बार बार करेंगे सब समझ आ जाएगा देखिए इस क्लास की सबसे अच्छी खासियत यही होने वाली है कि आप कई बार जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ोगे दूसरी बात जया वर्मा सिन्हा जो है वो कहीं से भी आपकी मनोज यादव जी के साथ रिलेट भी नहीं कर रही है इससे पहले कौन थे आपके अनिल कुमार लाहौती थे इससे पहले अनिल कुमार लाहौती थे तो उसको जरा याद रखिएगा इन्होंने एक सितंबर को लिए अपना कार्यभार संभाला है म्यूनिसपालिटी और पंचायत को भारतीय संविधान के अंदर जो प्रवेश किया गया था या प्रावधान किया गया था और आपको पता ही है कि कौन से भाग में इनको शामिल किया गया है भाग नाइन में शामिल किया है आर्टिकल आपके टू फोर्टी इनके ठीक है ये कौन से ईयर में शामिल किए गए नाइनटीन नाइनटी करके याद रखे संवैधानिक संशोधन कौन सा था ये भी लर्न करना है सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन 1993. हालांकि ये जो एक्ट है वो 1992 का भी है शेड्यूल एरियाज तक इसको बढ़ाया तो 1996 हो गया अगर यही आपसे पूछा जाए कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को ऐड करने के लिए जो एक्ट है उसको बढ़ाया गया और शेड्यूल कास्ट को भी ऐड किया गया तो यहाँ पे 1996 करके लर्न करिएगा अभी हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो नाइनटीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो नाइनटीन टू करके याद रखिए ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा पंचायती राज रिलेटेड अगर कमिटीज आपसे पूछी जाए तो बलवंत राय मेहता कमेटी उन्नीस की अशोक मेहता कमेटी नाइनटीन की हनुमंता राव कमेटी नाइनटीन की जीवी के राव कमेटी नाइनटीन की एल एम सिंघवी कमेटी नाइनटीन की सरकारिया कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके जिसने थ्री टायर टू टायर पंचायती राज को कैसे मैनेज करना है पी के थुंगन कमेटी 1989 की और हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 की तो सबसे आखिरी की जो आपकी कमेटी है वो 1990 की ही है हरलाल खर्रा कमेटी और आर्टिकल भी लर्न कर लीजिए पंचायती राज को स्टैब्लिश करने की जो बात की गई है वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में की गई है सारी कमेटीज आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए लोक कला रूप थोटुम थोदू मम थोडु मट्टम ये किस राज्य से किस राज्य से प्रचलित है थोडु मट्टम थडुम बट्टम थोडु मट्टम के नाम से जाना जाता है याद रख लीजिए तमिलनाडु तमिलनाडु के नाम सबसे डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वैसे तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला वादक है उसके अलावा ये थोडु मु मु बट्टम ये फोक आर्ट के नाम से जाना जाता है इस चीज को हम फोक आर्ट के नाम से कहते हैं और ये कॉइम्बटूर से कुछ 26 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है वहां पे इस आर्ट को इस्तेमाल किया जाता है और एक पर्टिकुलर रीजन है मतलब इस पूरे एरिया को कॉइंबटूर से जो 26 किलोमीटर दूर है उस एरिया को हम कांगू रीजन के नाम से जानते हैं कांगू कांगू क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जहां पे ये वाली आर्ट आपकी काफी ज्यादा फेमस है इसमें अगर आपने नमक्कल सुना होगा या सलेम सलेम तो सुना ही है सलेम एरिया तमिलनाडु के अंदर जो है उसको मिलाया है कांगू क्षेत्र के अंदर खुद पांच से छह क्षेत्र आते हैं जहाँ पे इस आर्ट को काफी फेमस तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है इनमें से कौन सा सबसे पहले होने वाला इवेंट है शारदा एक्ट नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन या दांडी मार्च इनमें से सबसे पहले घटने वाली घटना en konsie तारीख में आपको बताना शुरू करूं डांडी मार्च जो है वो 1930 करके लर्न करना है है ना मार्च से लेके अप्रैल 12 मार्च से लेके आपका 6 अप्रैल तक चल रहा है ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन ये 1927 की बात हो रही है यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आपको महीना भी याद रखना है तो नवम्बर लर्न कर लीजिए नेहरू रिपोर्ट जो है वो उन्नीस की रिपोर्ट है ठीक है नाइनटीन एग्जैक्टली जिस जिस दिन ये रखी गई थी उस दिन था अट्ठाईस अगस्त अट्ठाईस अगस्त उन्नीस 28 ठीक है 28 अगस्त तो 1928 को नेहरू जी की रिपोर्ट रखी गई थी 28 अगस्त तो 1928 1928 तो आपको वैसे भी याद रहता है पीछे का 28 उठा के यहाँ पे अगस्त लगा दीजिए अगस्त भी 080 कहा जाता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त भी 080 है तो लर्न करना इजी है शारदा एक्ट जो है वो आया था यहां पे 28 सितंबर 1929 28 सितंबर 1929. ट्वेंटी नाइन शारदा एक्ट तो सबसे होने सबसे पहले होने वाला इवेंट कौन सा हो गया? का बनना, का बनना, हमने पढ़ा नहीं है तो आप ना आंसर शारदा अधिनियम दे दीजिए लेकिन 1929 का है यही तो चीजें गड़बड़ हो जाती है ना यहाँ पे ऑड वन आउट के चक्कर में आप शायद सही आंसर ही यहाँ से निकाल देते हो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन नवंबर उन्नीस सत्ताइस रण राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने साइमन कमीशन का कहानी पता है हमको कि साथ के साथ बोरे लोग थे इसलिए हमें आ, साइमन कमीशन को हमने बॉयकॉट किया था मुंबई में उतरा था ये 1928 के अंदर और लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी वो दांडी लाला लाजपत राय जी की वो जो मृत्यु हुई थी वो उनकी डंडे की इनके ऊपर जो रूल जैसे जो लोग अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन को उनकी डंडे मार के उनकी लाठी चार्ज किया गया था तो डंडे मार के उनकी हत्या कर दी गई थी या उसी वजह से हत्या यहाँ पे हो भी गई थी ठीक है एट नवम्बर 1927 को इसको करके भारत के अंदर ये प्रवेश कर गया ठीक है राणा राजा रणजीत सिंह ने अदालते आला इनको महाराणा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है राजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है ठीक है शेर ए पंजाब के नाम से इन्होंने पूरा का पूरा पंजाब अपने शासन के काल के दौरान इन्हीं के पास था पूरा पंजाब यहाँ पे सेवनटीन नाइनटी नाइन में इन्होंने लाहौर भी लिया था देखिये लाहौर को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लाहौर पाकिस्तान के पास जाए ऐसा कई लोग नहीं चाह रहे थे मतलब वैसे तो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर भगत सिंह जी राजा रणजीत सिंह के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो चला गया 1799 में राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कंक्वायर किया और 1802 के अंदर अमृतसर वाला जो पूरा क्षेत्र है वो भी हमारे राजा रंजीत सिंह के पास में ही था है ना तो यहाँ पे आप अदालत आला की अगर आप बात करोगे तो अदालत आला एक खास अदालत होती थी जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोवेंशियल कोर्ट जैसे आज हमारे है ना उसी तरीके से और अदालत आला के अंदर जो लोग हैं वो अपनी सुनवाई अपने जो चीजें हैं वो लेके आते थे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आते थे आप लाहौर करके याद रखें ठीक है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में, में से किस जगह पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहा सी एच एस एल का क्वेश्चन है सी एच एस एल का क्वेश्चन है पेपर उठा के देख लीजिए 2022 के उसमें पूछा गया था भारतीय भाषाओं का केंद्रीय इंडियन इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये 17 जुलाई 17 जुलाई 1969 साल वही है जब इसरो बनाया गया था ठीक है इसरो लर्न कर लीजिए भाषा लर्न कर लीजिए 1969 को इसको फाउंड किया गया था इसको स्टार्ट किया गया था तब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मैसूर के अंदर कहां पे मैसूर के अंदर स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराओं के रूप में भी जाना जाता है खजुराहो मंदिर वैसे आपके जाने जाते हैं खजुराहो टेम्पल आपके जाने जाते हैं उनकी आर्किटेक्चरिंग की वजह से और यहीं पे हम विदर्भ के खजुराहो की अगर बात करें तो विदर्भ का खजुराहो किस रूप में जाना जाता है खजुराहो का खजुराहो वैसे देखिए खजुराहो वैसे आपका मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है विदर्भ क्षेत्र की बात किया है यहाँ पे विदर्भ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मारकंदेश्वर करके याद रखें मारकंदेश्वर ये कहाँ पे लोकेटेड है वैन गंगा वैन गंगा मार्केदेश्वर कहाँ पे है वैन गंगा वैन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी कही जाती है वैन गंगा पेन गंगा वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये है वैन गंगा गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी गोदावरी गोदावरी नदी की सहायक नदी कही जाती है वेनगंगा पेनगंगा को मारकंदेश्वर जो है वो इसी वेन गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है और ये एरिया जो कहा जाता है ये घटर चिरोली नाम गढ़ चिरोली के नाम से जानते हैं ना गटर चिरोली के नाम से जाना जाता है कहाँ पे है महाराष्ट्र में तो विदर्भ वाला जो क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र एरिया को कवर कर रहा है तो गढ़ चोली में गोदावरी नदी के जो ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा उसके किनारे पे बना हुआ है मार्केश्वर मंदिर इसकी आर्किटेक्चरिंग की वजह से कहा जाता है ये शिव और वैष्णव दोनों धर्मों को ये बना के नागरा स्टाइल में बना हुआ है ये मंदिर नागरा स्टाइल क्या होता है नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनको आप दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविण स्टाइल बोलते हैं उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है उनको नागरा स्टाइल बोलते हैं ठीक है शैली

ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेंगे जो कि आपके ऑप्शन भी है मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कोल्ड और हॉट वाटर तो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है भाई जो सबसे ज्यादा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो मैग्नीशियम है ठीक है मैग्नीशियम बहुत ही ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और जो स्टीम होती है ना कौन सी चीज भाप के साथ भी रिएक्ट कर सकती है तो आप जिंक और आयरन करके याद रखिए जिंक और आयरन एक ऐसी चीज है जो भाप के साथ भी रिएक्ट कर जाती है तो ना ठंडा ना गर्म

कैसी इमेज बना रहा है वर्चुअल बना रहा है ठीक है आभासी बना रहा है सीधी बना रहा है यहाँ पे और मैग्नीफाइड इमेज है मैग्नीफाइड का मतलब है सबसे छोटी बहुत छोटी इमेज बन रही है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपकी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई होगी देखिये जरा इसमें कितने लोगों ने रिवाइज किया है कितने लोग पढ़े हैं या कितने लोगों को जो है वो इमेजेस के बारे में पता रहेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डैश अखन के मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इनैक्ट एंड अच्छा मैग्निफाइड मतलब बहुत बड़ी ठीक है पे रखी जाती है क्या बात है बी सी डी बी और डी में ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं ना बी वाला ऑप्शन क्या है बिटवीन सी कहा भाई कहाँ है बिटवीन सी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी जो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी देख लीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन की हम बात करें सबसे पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी फोकस पे बनेगी अनंत के बाद आप बियॉन्ड सी रखोगे बियॉन्ड सी तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन एफ और पी बिटवीन एफ एंड पी बनेगी अगर आपने एट सी रखा अपने वस्तु को तो आपकी इमेज भी एट सी बनेगी उसके बाद अगर आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा अपने ऑब्जेक्ट को तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी सी एंड एफ के बीच में अगर आप रख रहे हो तो आपकी इमेज कैसे बनेगी सी और एफ के बीच में अगर आपने रखा तो वो जाएगी पीछे की तरफ देखिए बिटवीन सी एंड एफ एफ एंड पी यहाँ पे रहा ना ऑप्शन ये रहा सी एंड एफ के बीच में यानी कि ये कौन के मिरर है ये रहा करवेचर ये फोकस यहाँ पे अगर आपने वस्तु रखी तो आपकी वस्तु फोकस से होगी और दूसरी रे, रेखा ऐसे जाएगी तो ये कहाँ जाएगी बियॉन्ड सी इधर लिखना है ना बियॉन्ड सी कहा जाएगी बियॉन्ड सी अब सी और एफ के बाद आप फोकस पे रख दीजिए फोकस पे अगर आप रखेंगे तो यानी कि अनंत पे जाएगी और अगर आपने एफ और पी के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये बनेगा आपका बिहाइंड मिरर बिहाइंड द मिरर एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब कनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है वो बनती है वा, आसी एक ही कंडीशन ऐसी होगी जब आसी इमेज बनेगी वो कब जब आपने ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रख दिया है इसका मतलब आपका ये शीशा है ये एफ है ये सी है और ये पी है तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो यहाँ से टकरा के यहाँ पे पहले सबसे पहले ये रेज जाएगी दूसरी रे जो है वो यहाँ पे टकराएगी इस जगह पे टकराएगी सी पे ऐसे जाएगी और ये दोनों पॉइंट मिलते हैं शीशे के पीछे यानी कि यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल रब बनाया है लेकिन फिर भी ये ठीक ही बना है यहाँ पे है ना तो ये बन गया आपका शीशे के पीछे इमेज सबसे बड़ी इसी सिचुएशन में बनती है तो बिटवीन एफ एंड पी जो है वो आपका यहाँ पे डी जो है वो आपका क्या रहने वाला है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है बिटवीन एफ और पी वेरी गुड चलिए समझ भी आ गया ना ये रहा आपके इमेजेस यहाँ पे लाइट वाला चैप्टर हमने कर लिया है ना क्लास में जो बच्चे साइंस स्पेशल में है वो कर पा रहे हैं ना क्या होता है जब किसी द्रव का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है ठीक है वट है फोर्स ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चीज क्या होगी अगर बयोन्ड फोर्स जो है वो ज्यादा बयॉन्ड फोर्स ऑफ अ लिक्विड बयोंड फोर्स पानी का कम है ठीक है बॉन्ड फोर्स पानी का कम है तो क्या हो जाएगा पानी जो है वो उसको अलाउ करेगा डूबने के लिए वस्तु तरल में डूब जाएगी बॉन्ड फोर्स की बात लिखी गई है बयोंड फोर्स क्या होता है बल जो कि किसी भी लिक्विड या पानी के द्वारा लगाया जाता है किसी भी वस्तु के ऊपर तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा डूब जाएगा गति ऊर्जा का योग क्या होता है तो काइनेटिक एनर्जी जमा में पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी देखिए अगर आपका आरपीएफ का पेपर हो जाता है तो उसमें साइंस बीस नंबर की आती है ठीक है इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके ऐड किए गए, गए हैं अच्छी तरीके से ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर जो फॉसिल फ्यूल बन के रिलीज होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो वो किस तरीके के ऑक्साइड बनते हैं एसिडिक इसीलिए चीजें जो है वो खराब हो रही हैं यही चीजों को जलाने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन सल्फर जो निकल रहा है ज्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट से या किसी भी चीज को जलाने से ये एसिडिक होते हैं अम्लीय होते हैं इसीलिए हमारी चीजें खराब हो जाती हैं इनमें से कौन सा आर्कमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है इनमें से कौन सी चीज आर्गमेडिस प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है सबमरीन है लेक्टोमीटर है है ना फ्लूड डेंसिटी है क्या ऑडोमीटर क्या होता है ऑडोमीटर ऑडोमीटर किसके लिए बोलते हैं भाई जो आपके व्हीकल कितना आपने चलाया है कोई गाड़ी कितनी चलाई है उसको आप ऑडोमीटर से नापते तो वो के प्रिंसिपल से संबंधित नहीं है बाकी तीनों चीजें तो हैं चौदह अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाया जाता है चौदह अप्रैल को हम किस चीज किस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी बनाते हैं हम बात करते हैं हम बात करते हैं उसके लिए जो कि क्या हो गया इन्हें क्या हो गया इतना मैसेज करके। चलिए किसकी बनाते हैं तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी इनके द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भारत के संविधान के जनक या संविधान के जनक कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौदह अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाते हैं और मऊ वाला क्षेत्र जो है वो याद रखिए मऊ क्षेत्र में इनका जन्म भी हुआ था महाराष्ट्र ना महाराष्ट्र के अंदर ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ऐश्वरी बनाती है ऐश्वरी यानी कि मुहाना तो फेमस जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें से आपकी देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर इसमें से आप याद रखिए कि जो इस तरफ बह के जाती हैं नदियां जैसे कि नर्मदा नदी जैसे कि तापी नदी और उसके ऊपर यहाँ पे साबरमती नदी ये नदियां बेस्ट फ्लोइंग रिवर कही जाती हैं, साबरमती ये अपना पानी कहाँ पे जाके डाल रही हैं, इस तरफ जो कि आपका अरब की खाड़ी कही जाती है अरेबियन सी हम कह देते हैं दूसरी तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल के नाम से जहाँ पे आपकी बाकी सारी नदियां गिरती हैं जैसे कि गंगा नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी है गोदावरी नदी है कृष्णा नदी है कावेरी नदी है इसमें से ऐश्वरी कौन सी नदी बहाती बनाती है तो नर्मदा नदी करके याद रखिए बेस्ट फ्लोइंग रिवर है काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और ऐश्वरी बनाती है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता भारत की नेबरिंग कंट्री हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उनमें से हम कौन सी कंट्री के साथ कितना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं 4096 का अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे लिए सबसे छोटा बॉर्डर और अच्छा है छोटा ही है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान लेड सरकार है वो अच्छा है हमारे से थोड़ा सा दूर है अब यहाँ पे भूटान की बात कर रहे हैं तो भूटान जो बनाता है वो सिक्स किलोमीटर की पूरी जो सीमा साझा करता है भारत के साथ भूटान की बात करें तो भूटान भारत के इस क्षेत्र में बसता है जहां पे अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है सिक्किम उसका हिस्सा है आसाम जो है है वो उसके साथ यहां पे बॉर्डर शेयर कर रहा और वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है ठीक है वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है तो आपके पास चार राज्य हो गए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसाम वेस्ट बंगाल ठीक है सिक्किम आसाम वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमको नहीं भर है तो आप मेघालय याद रखिए मेघालय आसाम से कटके बना है अगर असम पूरा का पूरा बॉर्डर शेयर कर रहा है तो मेघालय जो है वो असम के निचले हिस्से में यहाँ पे है मेघालय यहाँ पे है असम तो असम अगर भूटान के साथ पूरा बॉर्डर शेयर करेगा तो मेघालय नहीं करेगा ठीक है भूटान की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम हो, हो गया यहाँ पे तो आप हमारे साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान उसके बाद चाइना उसके बाद ये नेपाल भूटान म्यांमार और बांग्लादेश ये राज्य हमारे ये देश हमारे साथ बॉर्डर अपना साझा करते हैं संघाई महोत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है देखिए आपका जल और थल सीमा याद रखिए लैंड रेंज आपकी पंद्रह किलोमीटर की कही जाती है जबकि कोस्टल रेंज कही जाती है सात की तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज बना रहे श्रीलंका को अगर हम छोड़ दे जो पाक स्ट्रेट से पाक स्ट्रेट से हमारे साथ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटी अलग है संगाई महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है संगाई महोत्सव ये कल्चरल फेस्टिवल है जो मणिपुर टूरिज्म मनाती है ठीक है और इसका अभी टाइम आ ही रहा होगा 21 से 30 नवंबर के बीच में ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर राज्य के अंदर ठीक है उन आ, उना दल्ली की गुफाएं कौन से राज्य में मौजूद है उना दल्ली की गुफाएं कहां पे मौजूद है तो आंध्र प्रदेश याद रखें जैसे आपकी भीमबेटका की गुफाएं बोली जाती है काफी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से याद रखें काफी पुरानी है भीमबेटका की गुफाएं इनफैक्ट सबसे पहली खोजी हुई गुफाओं में से और सबसे पहले जो गुफाएं रही होंगी उनमें से कहा जाता है उसी तरीके से उंदावली की जो गुफाएं हैं ये भी मोनोलिथिक की हैं और एक ही रॉक को कट करके यहाँ पे बनाई गई है ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट याद रखें आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये आपका उंदावली जो है वो लोकेटेड है पवन पवन पुई ब्लू नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है पवनपुई ब्लू नेश ब्लू नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के आपको अच्छे से लर्न करने हैं सारे के सारे आंसर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में वॉयसॉय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त तो प्रथम भारतीय कौन थे एसपी सिन्हा करके याद रखिए ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का उसमें इनको चुना गया था और इसके जो पहले मेंबर है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के नाइनटीन का भी जो काउंसिल एक्ट था उन्नीस का हम मिंटो रिफॉर्म कहते हैं नाइनटीन का और मोन्टेगो रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो यहाँ पे जाने जाते हैं हालांकि 1919 में जो काउंसिल के मेंबर्स की संख्या थी वो बढ़ा दी थी पहले यहाँ पे एक ही पर्सन थे एक ही भारतीय जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहे जाते थे 1919 में इनकी जो मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी कर दी थी यहाँ पे तीन कर दी थी वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल लास्ट क्वेश्चन बताइए भारत में दो सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी फर्स्ट इलेक्टेड हाउस पार्लियामेंट भारत की किस में आई थी? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो आपकी कंप्राइज करती है दो हाउसेस से। राज्यसभा और लोकसभा और पार्लियामेंट तो तीन आर्टिकल है आपके पार्लियामेंट का सेवेंटी फिर राज्यसभा लोकसभा के लिए हम एटी और एटी कहते हैं यहाँ पे मेंबर्स डायरेक्टली जो चुने जाते हैं वो 543 लोकसभा में राज्यसभा में आपके पास 250 मेंबर्स होते हैं पहली निर्वाचित संसद जो आई थी अस्तित्व में जिसके लिए आप बोलते हो ना कि अभी कौन सी आपकी लोकसभा चल रही है कौन सा हाउस चल रहा है तो 1952 फिफ्टी करके याद रखिए 1952 में पहली निर्वाचित सदन जहां पे लोकसभा राज्यसभा दोनों थे वो शामिल किए गए थे 1952 में और सत्रहवीं लोकसभा जो है वो दो में आपकी ठीक है 2019 में कौन से नंबर की है सेवनटींथ सेशन याद रखिए या सत्रहवा सदन संसदीय सदन चलने यहाँ पे लग रहा है लोकसभा राज्यसभा याद रखे दोनों के अपने अपने यहाँ पे पावर्स हैं लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल कहा जाता है और लोकसभा डायरेक्टली सिटीजन से चूज किया जाता है जिसकी जिसका जो टाइम पीरियड है वो पांच साल का होता है जबकि राज्यसभा जो है वो आपकी कभी भी डिजॉल्व नहीं की जा सकती है इसके वन बाई थर्ड मेंबर हर दो साल के बाद यहाँ से हट जाते हैं राज्यसभा जो है वो आपका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होते हैं यहाँ पे हर मेंबर की जो टर्म होगी वो वैसे तो छह साल होगी लेकिन राज्यसभा पूरी तरीके से कभी भी डिसॉल्व यहां पे नहीं होता है कई चीजों में पावर राज्यसभा के पास ज्यादा है हालांकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है क्योंकि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहीं बैठते हैं लेकिन कई मसलों में राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा शनिवार को हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के करने वाले हैं जीडी की क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही है और साथ में टेस्ट सीरीज आप क्लास ट्वेंटी पे ले सकते हो जीडी का साथ में, साथ में साइंस की थ्योरी क्लास चल रही है उसको भी देखना ना भूलिए और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक नोटिफिकेशन निकला है जिसको सही मायने में कहें तो वो ठीक है यानी कि रेलवे आपके अब आरपीएफ की वैकेंसी निकाली रही है इसके एग्जैक्ट पोस्ट के बारे में तो नहीं पता है लेकिन याद रखिए कि आपकी 9 2019 से चल रही है तो आपकी जो अभी सवा है वो कौन सी है 17th है इसीलिए मैंने 2019 नाम लिया ना 19 में हुई तो 20 21 22 23 तो 24 में इलेक्शन है 24 में जब इलेक्शन होंगे तो 18वीं आपके पास आ जाएगी आरपीएफ की नोटिफिकेशन जो आ रही है वो ठीक आ रही है और वैकेंसीज की अभी हमको मेरे को मुझे जानकारी नहीं है वैकेंसीज की लेकिन जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे पास अगर आता है तो याद रखिए कि वहां पे आपका ये याद रखिए कि वहां पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो नवंबर में आपका आर का एग्जाम कराने की पूरी पूरी चांसेस है तो वो हम करते हैं यहाँ पे पीडीएफ आपके लिए कल वाला पीडीएफ अब तो अपडेट हो गया है शायद एक बार देख लीजिए वो लेट ही गया था पीडीएफ तो कल वाला अब अपडेट हो गया आज वाला पीडीएफ में अपडेट कर दे रही हूँ उसको एक बार जरूर से रिवाइज कर दीजिए और ये क्लास नाइन फिफ्टीन पे डेली होती है उसको जरूर